हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कमाल का ट्रिक। जब भी आप फेसबुक पर कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि अपने सारे दोस्तों को टैग कर दूँ, लेकिन फेसबुक आपको 50 से ज़्यादा फ्रेंड को टैग नहीं करने देता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप 100 से भी ज़्यादा लोगों को टैग कर सकते हैं, बल्कि चाहे तो आप सभी फ्रेंड को भी टैग कर सकते हैं और अपने सभी ऑडियंस के पास पहुंच बनाकर ज़्यादा लाइक पा सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल वाला आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस, 100 से भी ज़्यादा फ्रेंड को टैग करने के लिए अपने फेसबुक ऐप्स को ओपन करते हैं। फेसबुक ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ से एक फ़ोटो को अपलोड करते हैं फेसबुक पे। अब यहाँ पे इस पर्सन वाले आइकॉन पे क्लिक करके टैग पीपल पे क्लिक करके यहाँ से हम 50 फ्रेंड को टैग करते हैं। 50 फ्रेंड को टैग कर लेने के बाद आगे के तरीका बताऊंगा कि आप 50 से ज़्यादा फ्रेंड को, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा फ्रेंड को आप कैसे टैग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 50 फ्रेंड को टैग कर लेते हैं। गाइस, अब देखिए हम 50 फ्रेंड को टैग कर चुके हैं, इससे ज़्यादा फ्रेंड को हम नहीं टैग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्रेंड को टैग करने पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, यू कैन ओनली सिलेक्ट अप टू 50 पीपल। तो यहाँ से हम सिर्फ 50 फ्रेंड को ही टैग कर पाते हैं। तो 50 फ्रेंड को टैग कर लेने के बाद आप क्लिक कीजिएगा डन पे और इसके बाद आगे के तरीका बताऊंगा। डन पे क्लिक कर देने के बाद इसको पोस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये फोटो फेसबुक पे अपलोड होने लगता है। तो फेसबुक पे अपलोड हो जाने के बाद और इसमें 50 फ्रेंड को टैग हो जाने के बाद आगे के तरीका बताऊँगा कि आप 50 से ज़्यादा फ्रेंड को कैसे टैग कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, इसमें हम 48 फ्रेंड को टैग कर चुके हैं और अब 48 से ज़्यादा फ्रेंड को टैग करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप 48 से ज़्यादा फ्रेंड को कैसे टैग कर सकते हैं। अब 50 से ज़्यादा फ्रेंड को फेसबुक में टैग करने के लिए प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं मोजिला फायरफॉक्स। गाइस, मोजिला लिख देने के बाद ये फायरफॉक्स वाला जो दिखलाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर देने के बाद इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया ऐप्स है और ये गूगल की तरफ से बना हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप्स को मैं अपने फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आगे की तरीका देखते हैं कि 50 से ज़्यादा फ्रेंड को कैसे टैग करें। मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिएगा FB और सर्च वाले आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ फेसबुक पर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है फेसबुक का। तो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा अपने फेसबुक आईडी से। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा लॉगिन पे। गाइज, यहाँ पे इस 3 लाइन पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल को ओपन करते हैं और वो फोटो को सिलेक्ट करते हैं जिसे हम 50 से ज़्यादा फ्रेंड को टैग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके आते हैं तो वो फोटो को देखते हैं। यही फोटो था जो अभी हम फेसबुक पे अपलोड किए हुए थे। तो इस फोटो को हम 50 से ज़्यादा फ्रेंड को टैग करना चाहते हैं, तो इस फोटो पे 2 बार टैप कीजिएगा। 2 बार फोटो पे क्लिक कर देने के बाद इस फोटो को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे करते हैं तो आपको ऊपर में 3 डॉट दिखलाई दे रहे होंगे। तो इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप सेट। तो इस यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस पर और इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में आपका फेसबुक कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखलाई देता है प्रोफाइल। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ प्रोफाइल और आपको फिर से वो फोटो को सर्च करना होगा जिस फोटो को आप अपने सारे दोस्तों को टैग करना चाहते हैं। और यहाँ पर इस फोटो में अपने सारे दोस्तों को टैग करना है तो इस फोटो पर एक बार क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जूम करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें टैग फोटो का। तो इस टैग फोटो पर फिर से क्लिक कीजिएगा। टैग फोटो पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इसे जूम करते हैं तो चाहे तो यहाँ से आप अपने दोस्तों को नाम सर्च करके भी टैग कर सकते हैं या फिर आप सभी दोस्तों को टैग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऐड मोर टैग पे और इसे जूम करते हैं और यहाँ से अपने दोस्तों को टैग कीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर क्लिक करना होगा शो मोर पे और अपने दोस्तों को टैग करने के लिए और फिर इसी तरह से जूम करते हैं और अपने दोस्तों को टैग करते हैं। फिर से आपको और अपने दोस्तों को टैग करने के लिए फिर से क्लिक करना होगा शो मोर
और फिर से नीचे में आपको जूम करके टैग करना होगा। इसी तरह से सूम और करते जाना है और अपने दोस्तों को टैग करते जाना है। और इसके बाद फाइनली आप अपने दोस्तों को टैग कर लीजिएगा, तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे डन पे, तो क्लिक कीजिएगा डन। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चलते हैं अपने फेसबुक में और देखते हैं कि अब कितने फ्रेंड को हम टैग कर चुके हैं। तो यहाँ से हम अपने फेसबुक ऐप्स को ओपन करते हैं और यहाँ इस तीन डॉट पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को ओपन करते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं वो फोटो को अब तक कितने लोगों को टैग कर चुके हैं। तो गाइस देखिए, इस फोटो में हम 99 फ्रेंड को टैग कर चुके हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो जितनी मर्जी उतने फ्रेंड को टैग कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। और इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइस कुछ लोग चाहते होंगे कि अपने सारे दोस्तों को एक क्लिक में ही टैग कर दें, अभी टैग करने के लिए सभी दोस्तों को एक एक करके क्लिक करना पड़ता है, तो आप चाहते हैं कि अपने सारे दोस्तों को एक क्लिक में ही टैग कर दें तो वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।